हाँ बता रहे थे सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ मनमना भव और मद्यादि भव। मनमना भव मना मेरे मन में अपने मन के संकल्पों को तिरोहित कर दे, माना संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प के अलावा कोई दूसरा संकल्प ना आने पाए, कोई भी संकल्प में विरोधाभास न हो, तो संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होगा तो वाचा से भी विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर करना ही सबसे बड़ा सरेंडर करना है। मन से ही संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो वाचा से भी विरोध नहीं हो सकता। जो बाप की वाचा सो मेरी वाचा, जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा, और सब मनसा और वाचा में समानता आ जाती है तो कर्मेंद्रियों में भी जरूर समानता आएगी। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाएगा वो भी बाप समान कर्म होगा, तो दोनों मिलाकर के तीनों बातों को मिलाकर के कहा जाता है मद्याजी भव। फिर जो भी कर्म होंगे वो परमात्मा बाप के लिए होंगे, मन विश्व कल्याण के लिए होंगे। शिव है ही विश्व कल्याणकारी, बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी है। किसी मनुष्य गुरु के कल्याणकारी नहीं, कोई देहधारी के कल्याणकारी नहीं, कोई स्वार्थी व्यक्ति के कल्याणकारी नहीं, बाप है एक विश्व कल्याणकारी, और वो सदा शिव कहा जाता है। क्या ऐसे नहीं कि कभी कल्याणकारी बन जाए और कभी अकल्याणकारी बन जाए, कभी स्वार्थी बन जाए, कभी परमार्थी बन जाए। तो जो बाप के बच्चे होंगे वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही होंगे।